दोस्तों स्पेडर मैच जो कवर करने वाले, जो कि मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस का मैच खेला जाएगा। और इस मैच को स्टार्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही घंटे बच रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। वीडियो को आखिर तक देखना, मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइन टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, डेली फ्री विनिंग टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जूस ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको स्मॉल टीम डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको शेयर कर दूंगा, ग्रैनेड की टीम भी आपको शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जूस ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ। तो टेलीग्राम चैनल जूस ज्वाइन कर लेना, भूल से भी टेलीग्राम चैनल मिस मत करना, ठीक है। मेरी बात मानो, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँगा, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना ऐप लिमिट टीम सर्च करो, बिना स्पेस देखे तो एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी के टाइम 40,000 से ज़्यादा लोग है। तो टेलीग्राम चैनल जूस ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे डेडलाइन से 15 मिनट पहले पांच टीम शेयर कर देता हूँ, स्मॉली की टीम भी शेयर कर देता हूँ, ग्रैले की टीम भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी मिस मत करना, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स है, तो आप उसको मत करना, आप ऑफिशियल ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स लिंक भी आप उसको थ्रो कर लेना। तो जूस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 40,800 से ज़्यादा लोग है, ठीक है। कमेंट बॉक्स लिंक भी आप उसके थ्रो आ जाना। एंड अब बात करते हैं दोस्तों, ये ना देखो पहले तो 2 घंटे ही बच रखे, अभी सोच रात को वीडियो शूट कर लेता, बट कोई नहीं, ठीक है। 8:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है। और ये मैच ना सेम वेन्यू पे खेला जाएगा जहाँ पे बाकी के मैचेस खेले गए थे। लास्ट 8 मैच ऐसा देखोगे तो सब कुछ वही है, अगर मैं दिखाने बैठ गया तो मतलब इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, श्रीलंका वुमेंस ना इस मैच लास्ट में जो मैच थे वो 11 रन से जीत लेती है। मैच था श्रीलंका वुमेंस और यूएई वुमेंस का था, जिसमें श्रीलंका वुमेंस इजीली मतलब विन कर गई थी। और आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए भी मात्र 109 रन स्कोर किए थे, यानी कि पिच थोड़ा सा स्लो है, स्लो विकेट है। सेकेंड मैच देखोगे तो पाकिस्तान वुमेंस 9 विकेट से जीत गई थी। ये मैच था पाकिस्तान वुमेंस और साथ में मलेशिया वुमेंस का, मलेशिया वुमेंस से पहले बैटिंग करते 57 पाकिस्तान ने इजीली चेस कर लिया था। उसके अलावा थर्ड मैच देखोगे तो 41 रन से इंडिया की टीम ने जीत लिया था। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 150 स्कोर किए थे इस विकेट पे, और श्रीलंका ने इस विकेट पे 109 रन स्कोर किए थे। वही विकेट है जहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का मैच खेला गया था और पाकिस्तान यूएई का मैच खेला गया, बाकी वही मैच वही विकेट है, ठीक है, वही विकेट है। एंड बात करते फोर्थ मैच अब नहीं देखते क्योंकि बाकी वो सब वही है, ठीक है, सब वही है, तो इसको साइड रखते क्योंकि उतना टाइम नहीं है। बात करते T20 स्टार्ट देखोगे तो इस विकेट पर अभी तक खेले गए हैं 28 मैचेस खेले चुके हैं, ठीक है, 28 मैचेस खेले चुके टोटल T20 मैचेस, ठीक है। जिससे पहले बैटिंग करने टीम ने 19 मैचेस जीते, यानी कि 19 मैचेस पहले बैटिंग करने टीम जीते, और 9 मैचेस तो मतलब कि यहाँ पे ना सेकंड इनिंग में बैटिंग करने टीम ने जीते, जो मतलब कि चेस की टीम वो 9 मैचेस जीती और जो पहले बैटिंग 19 मैचेस, यानी कहीं ना कहीं इस विकेट पे चेसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चेसिंग इजी नहीं है। आप एवरेज निकालोगे इस विकेट का T20 मैचेस ऑफ वुमेंस के तो 130 का आपको एवरेज देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस इस विकेट पे हाईएस्ट रन स्कोर कर चुकी है, 191 रन स्कोर की थी 4 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट बांग्लादेश की स्कोर ने टीम की है। एंड बात करते रिसेंट फॉर्म देखोगे तो पाकिस्तान वुमेंस देखोगे तभी टीम ने से 5 में से 3 मैच स्लोस किए, 1 मैच अवॉन्डेड गया है और 1 मैच विन करके आ रही है, और बांग्लादेश हर 1 मैच विन करके आ रही है, क्योंकि इनको मतलब इन्होंने अब तक सब मतलब जैसे कमजोर टीम के साथ मैच खेले, जैसे कि कभी मलेशिया के साथ हो गया, कभी थाईलैंड के साथ हो गया, कभी मतलब कि ऐसे स्कॉटलैंड के साथ हो गया, और कभी मतलब कि ये क्या कहते हैं यूएई के साथ, तो इसलिए इतने 5 से 5 मैच में विन करके आ रहे हैं। बात करते हेड टू हेड मैच तो आपस में दोनों टीम से अगर आप देखो तो 15 बार भीड़ है आपस में, ठीक है, आपस में 15 बार भीड़ है और 14 बार मतलब कि पाकिस्तान वुमेंस ने जीता और 1 बार ही बांग्लादेश वुमेंस जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, पाकिस्तान वुमेंस फेवरेट रहनी चाहिए और सबको पता ही चीज़। तो यार बात करते हेड टू हेड मैचेस रिकॉर्ड देखोगे तो इन्होंने इन दोनों टीम्स ने लास्ट टाइम पता है 2019 में भीड़े थे आपस में, 30 अक्टूबर 2019 में भीड़े थे, और आज भी मतलब अक्टूबर का महीना है और सीधा सीधा यानी कि 3 साल बाद लगभग मिल मतलब आपस में भिड़ेंगे दोनों। बाकी मैं इस मैचेस में देख चुका हूँ, ठीक है, तो आप अपने देख लेना हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ना बात करते हेड टू हेड, मतलब आपसे बात करते प्लेइंग 11 मुनीबा ने टीम से देखो, मुनीबा अली ओपन करेगी टीम, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग करती, सिद्धरामीन के साथ ओपन करेगी, विश्व मारू फंडर बैटिंग करेगी टीम से, ओमिमा सोहेल जो कि फोरना बैटिंग करेगी, मीदा दार जो कि फिंदा बैटिंग करेगी, एहसान इसीम जो कि सिकना बैटिंग करेंगी, आलिया रियाज 7 बैटिंग करेगी, टुबा हसन जो कि 8 बैटिंग करेगी, डियाना बेग जो कि टीम से तरफ से देखोगे तो 9 बैटिंग करेगी टीम की तरफ से, ना उसके टीम से नसारा संधू जो टीम के मैच के लिए अवेलेबल है इस मैच के लिए टीम 10 विकेट टेकिंग नीचे प्ले, सदराई को उसके सादिया इकबाल जो टीम से काफ़ी अच्छी प्लेयर है। तो ये है पाकिस्तान वुमेंस का प्रोवेल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर के साथ, आप एक बार देख लो, ठीक है। बात करते हैं लास्ट मैच के स्कोर कार्ड, तो देखोगे तो लास्ट मैच फर्स्ट पावर प्लेयर डियाना बेग ने स्टार्ट किए थे टीम से, 1 विकेट लेके गई टीम से, सादिया इकबाल के साथ स्टार्ट किए थे टीम से, निदादार टीम से 2 बार मात्र बॉलिंग की थी और विकेट लेस किए थे टीम से, टुबा हसन 2 विकेट लेता, ओमिमा सोहेल टीम से 3 विकेट ली थी टीम से, देखो 3 विकेट ली थी ये,
उसके अलावा पाकिस्तान वुमेंस की बात करें, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं डियाना बेग और साथ ही साथ नसरा संधू डेथ में बॉलिंग कर सकती है। नसरा संधू पूरे चार ओवर बॉलिंग पाए थे बट विकेट लेस की थी, बट अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की आई थी। देखो यानी क्या इकोनॉमिकल तो देखो यार, एक बार देखो चार ओवर में मात्र 5 रन दिए थे इनका लक नहीं साथ दिया, अदरवाइज सिर्फ 5 विकेट लेके जा सकती थी। खुद से देखो यार चार ओवर में मात्र 5 ही रन दिए थे, सोच सकते कितना ज़्यादा परेशान की होगी। एंड बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश वुमेंस कप जो कि प्रोबेबल लाइनअप चुकी होनी चाहिए, ओपन करी टीम से सईमा सुल्तान ओपन करी टीम से, विकेट कीपिंग करे फरगिना हैक्यू के साथ ओपन करी टीम से, निगर सुल्तान वंडर बैटिंग करेगी, रुबान अहमद फोरना बैटिंग करेगी टीम से, उसके टीम से सवर्णा मोस्ट जो कि टीम से फितना बैटिंग करेगी, रितु मोनी जो कि सिकता बैटिंग करेगी, सलमा खातून नहीदा अख्तर उसके टीम से, सोहेल अख्तर टीम से मैच के लिए अवेलेबल है, और टीम से संजीदा अख्तर इस मैच के लिए अवेलेबल, टीम तरफ से जालन आलम भी इस मैच के लिए अवेलेबल, ठीक है इस मैच के लिए वापसी कर रहे हैं जालन आलम, ठीक है इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है जालन आलम इस मैच की वापसी करेंगे। तथा बॉलिंग करते काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिनका खेलना इंपॉर्टेंट है, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो बड़े प्लेयर्स हैं सबको खिलाना पड़ेगा, तो ये मतलब इस मैच के लिए अवेलेबल है। तथा स्पेशलिस्ट है हर कोई जानते हैं इनको। तो यार बात करते हैं लास्ट मैच का पावर प्ले, तो लास्ट जो फर्स्ट पावर प्ले में टीम से देखोगे सलमा खातून ने स्टार्ट किया था, 1 विकेट लेके गई थी टीम से, नहीदा अख्तर जो कि मैंने बोला था दस ने बॉलिंग करी टीम से, दस ने बॉलिंग की थी और 2 विकेट लेके गई, उसके लिए ऐसा अख्तर 2 विकेट लेके गई टीम से, हमारे वाइस कैप्टन वैसे तो आपको पता है नहीदा अख्तर थी, क्योंकि मैंने बोला था दस ने बॉलिंग करेगी 2 विकेट लेके दे देगी। रुमान अहमद मैंने बोला ट्रम्प कार्ड आप पिक करके चलो, सब ट्रम्प कार्ड मैंने बोला था पिक करके चलो। उसके अलावा टीम से बात करते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो ये मेरे हिसाब से नहीदा अख्तर डेथ में बॉलिंग करनी चाहिए, संजीदा अख्तर भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, बट एक और प्लेयर का नाम है वो है जहां टीम से जहां आलम जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर उधर से, ठीक है तो ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं आलम, मेरे हिसाब से तो नहीदा अख्तर को ही करना चाहिए, बट आलम भी अच्छा प्लेयर है उधर से। बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन के टॉप फैंटेसी प्लेयर जो कि आज कुछ हो सकते हैं, रुमान अहमद सामने मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है तो रुमान अहमद का चलना ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है टीम से, काफ़ी अच्छी प्लेयर है आप इनको प्रेफर कर सकते हो टीम से। सलमा खातून टीम से काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर टीम से, नहीदा अख्तर डेथ में बॉलिंग करेंगी, संजीदा अख्तर इंपॉर्टेंट टीम से, सईमा सुल्तान जो कि टॉप ऑर्डर बैटिंग करने वाली प्लेयर है। बात करते हैं पाकिस्तान वुमेंस के जो टॉप फैंटेसी प्लेयर जो कि होनी चाहिए, निदा दार जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओमिमा सोहेल इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही एक वाली इंपॉर्टेंट टीम दर से डियाना बेग इंपॉर्टेंट रहेंगे, नसर संधू इंपॉर्टेंट रहेंगे, टुबा हासन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि टीम से लेग स्पिनर है, टीम से आप जूस से कवर करके चलेगा, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पर जूस इन्फॉर्म करूँ, तो टेलीग्राम चैप एक्टिव रहना जहाँ पे 40,800 से ज़्यादा लोग हैं, तो ध्यान रखना कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैप ज्वाइन करना, आप फेक मत करना, ठीक है। एंड बात करते हैं सीधे प्लेयर वाइज एनालिसिस, लेकिन अगर आप ये मैच ना ड्रीम पे खेलो तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। देखो ड्रीम पे ना हमें वाले 3 मिनिमम बैट्समैन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इस मैच के लिए मैं नहीं चाहिए। तो आप ड्रीम मैच ना खेल के आप फैन टू प्ले पे खेलो, जहाँ पे मतलब विन करना भी बहुत ईजी है। फैन टू प्ले के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हरभजन सिंह है, क्योंकि इस पे देखो पहली बात तो देखो T20 लीडर बोर्ड मतलब कि इस पे लगा रहता है, ठीक है, लीडर बोर्ड की कभी कमी नहीं है, जैसे कि फर्स्ट प्राइज है आप खुद से देख सकते हो, वर्ल्ड कप पैकेज है, सेकेंड मतलब बाली कपल्स है, थर्ड मतलब गोवा कपल्स है। तो ट्राई जिन्होंने अब तक नहीं किया है डाउनलोड लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फैन टू प्ले एप्टिंग करके दे दूँगा, फैन टू प्ले का डाउनलोड कर लें, और रेफर कोड मांगेगा तो ऐप लिंक सारे रजिस्टर कर लेना, बहुत अच्छी ऐप है, इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है, तो ट्राई उसे कर लेना, ठीक है। बात करते हैं सीधे से प्लेयर वाइज एनालिसिस, ये रहा मैच, ये कहाँ गया, ये रहा मैच पाकिस्तान वुमेंस बांग्लादेश वुमेंस के, तो यहीं पे तो था यार, ठीक है। रेफर कोड मांगे हो तो ऐप लिम यूज़ कर लें, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर बन जाओगे, इस ऐप पे आप 2 बैट्समैन साथ जा सकते हो, और फीचर्स A to Z फीचर्स अवेलेबल, इंस्टेंट विड्रॉल्स भी है, और साथ ही साथ और बहुत सा ऐप स्मूथ है। 2 मोड्स हैं, चैलेंज फैंटेसी क्लासिक फैंटेसी। चैलेंज फैंटेसी क्या है कि आप 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर की टीम बना सकते हो, जो कि बहुत ही अपने आप में यूनिक है। मैं अभी क्लासिक फैंटेसी टीम रहा हूँ, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी। बात करें विकेट कीपर से लिए, उससे पहले उससे वीडियो को जूस लाइक कर दे, इससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दे, चैनल सबसे पहले अकाउंट ऑल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात विकेट कीपर से, एक चीज़ का देखना, ठीक है, अभी मुने वाले उतना कुछ खास फॉर्म में नहीं चले, बट हाँ निगर सुल्तान जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, रिसेंटली हाफ सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहे थे हर एक मैच में, तो आप इनके साथ जा सकते हो, मैं निगर सुल्तान के साथ जा रहा हूँ, आप मुनी वैली को भी पिक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए बैटिंग से ऐसे इस ऐप पे फायदा है कि आप 2 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, जैसे कि आप पिक कर सकते हो, जैसे कि विषय मारूफ को पिक कर सकते हो, और साथ ही साथ सितरामीन को भी पिक कर सकते हो, ठीक है, ऐसा ट्राई कर सकते हो। बट अगर मैं लाइनअप से एक बार देखूंगा, लाइनअप से एक बार देख लेते हैं, देखिए एक बार लाइनअप देख लेते हैं, मुने वैली ओपन करेगी सितरामीन के साथ, विषय मारूफ वनडर बैटिंग करेगी टीम से, ओके इधर कन्फर्म हो गया। फरगिना हैक्यू टीम से काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम उधर से, तो आप इनके साथ जा सकते हो टीम उधर से, मैं फरगिना हैक्यू के साथ जाता हूँ, ठीक है, हैक्यू के साथ जो काफ़ी चिपके टीम उधर से, तो मैं 2 प्लेयर्स ले रहा हूँ आप। उसके अलावा सिद्रामीन को पिक, जो कि हीटर है टीम उधर से, सिद्रामीन पार्ट टाइम बॉलर भी है,
और मुझे याद है लास्ट ईयर के अक्टूबर में बॉलिंग किया करती थी अच्छी प्लेटिंग, बस लास्ट ईयर का अक्टूबर, इस साल के नहीं। उसके अलावा देखो इस पे दो बैट्समैन से ज़्यादा तो किसका फ़ायदा उठाना चाहिए, रोमानावर, नीदा दास, सलमा खातून, उसके अलावा ओमिनी सोहिल, ये जो चार ऑलराउंडर्स है चारों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चारों को पिक करके चलते हैं ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है टीम उधर से। उसके अलावा टीम उधर से देखोगे बॉलिंग सेक्शन से डियाना बेग जो कि बॉर्डर टीम उधर सब जो से कवर करके चलिएगा, संजीता अख्तर ठीक ठाक प्लेयर, पहले नाहिदा अख्तर को पिक करो, जहान आलम जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर टीम उधर से, आप इनके साथ जा सकते हो, हैज़र्ड ट्रम्प कार्ड क्योंकि दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर टीम उधर से और काफ़ी कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो। पहले मेन मेन पे जैसे कि शहीद इकबाल इंपॉर्टेंट टीम उधर से ठीक है, सादिया इकबाल, टुबा हसन इंपॉर्टेंट। नीचे देखोगे तो एन सदू चार ओवर में मात्र 5 रन दिए थे पूरे 4 ओवर में, आप खुद से सोचो कितनी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग लाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं पिक करूँ तो करूँ किसके जगह पे, क्योंकि देखो मुझे किससे किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, चाहे मुझे एन अख्तर को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा जैसे कि भाई यहाँ पे तो इतने भी प्लेयर्स पिक कर लियो ठीक है, अब मुझे फालतू एक बैट्समैन और पिक करना पड़ता बाकी ऐप पे, बट इस ऐप पे अच्छी बात है कि मैं दो बैट्समैन साथ जा सकता हूँ। तो मैं अपनी टीम में फ़िलहाल के लिए नाहिदा अख्तर को ड्रॉप करके चलता हूँ, हालांकि देखते हैं बॉलिंग करेगी बट फिर भी ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि एनसन तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर टीम से, देखो 4 ओवर में 5 रन ही मात्र दिए थे, यानी कहीं ना कहीं यार बहुत इस मैच में विकेट लेने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि नहीं एन अख्तर ज़्यादा विकेट लेगी तो आप एन अख्तर को पिक कर सकते हो, हालांकि देखते हैं बॉलिंग, बट ये भी देखते हैं बॉलिंग करने आती है ठीक है एनसन तो, तो ध्यान रखिएगा ठीक है। नसरा संधू काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर टीम से, देखते हुए स्पेशलिस्ट है, तो मैं इनको भी परफेक्ट कर लिया। अगर आपको मन करे जो रिस्ट करे वो मतलब कि एज ए कैप्टन भी जा सकते हैं ग्रैली टीम में, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैली भी विन करेगा, क्योंकि एन संधू काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी और टीम दस ना जरूरत में बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती, जो मेरे इधर डोमेस्टिक मैचेस खेलते उनको पता हुआ। बाकी उसके अलावा टुबा हसन की जगह पे आप चाहो तो पिक कर सकते हो टुबा हसन की जगह पे, बट टुबा हसन एक्सपीरियंस प्लेयर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हर मैच विकेट लेके जा रही है आजकल, रिसेंटली मैं जैसे चेक कर रहा हूँ। रुमान अहमद काफ़ी सीरीज की सीरीज आप इनके साथ जा सकते हो, सलमा खातून विकेट टेकिंग नेचर प्लेयर है बट एक कंफर्म नहीं किसी से विकेट लेके जाएगी, क्योंकि हर मैच में फर्स्ट पावर प्ले में विकेट लेके चली जाती है, हर मैच में फर्स्ट पावर प्ले में। तो मैं फिर फिक्र करूँगा नीदा और दारा जाए कैप्टन जाऊँ, जो टीम दस से देखो पहली बात इनकी बैटिंग भी आ जाएगी और टीम दस देखो कि एक मिनट दिखा देता हूँ, नीदा दार फिर ना बैटिंग भी कर लेगी और टीम दस अच्छे अमाउंट ऑफ बॉलिंग कर लेती है, हालांकि लास्ट में सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग पाई थी बट इसलिए इसको चेक कर सकते 4 ओवर ठीक है। आज तक मैं ये चीज पता 1% की मैंने होप नहीं था कि ये 2 ओवर से बॉलिंग पाएगी टीम दस से, बट फिर भी कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन चाहो तो जा सकते हो नसरा संधू के साथ, आप देखो नसरा संधू के साथ जाने के क्या फ़ायदा है, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, बस एक ओवर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर ले, बस मैं ये चाह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान वुमेन मतलब एक बार बॉलिंग कर ले, ये मैच आपको पहले जैकपॉट जोर से बनाने की बना दूंगा ठीक है। एन संधू के साथ वाइस कैप्टन जाने का फायदा है कि दस में बॉलिंग करेंगे पहली बात, दूसरा फायदा ये है कि टीम तरफ से काफ़ी मतलब अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग आई थी, तो मैं भी इस मैच में एक कम से कम 2 विकेट लेके जाने वाली कम से कम। आप उसके अलावा रुमान अहमद को ट्राई कर सकते, काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर है, टीम तरफ से मिडल ऑर्डर बैटिंग भी अच्छी कर लेती है और बॉलिंग अच्छे अमाउंट कर लेती है। सलमा खातून विकेट टेकिंग नेचर प्लेयर है बट ये कन्फर्म नहीं कर रहा कि फर्स्ट पावर प्ले विकेट गिर ही जाएगा एकदम से, अगर आपको लगता है तो आप पिक कर सकते हो मुनीब अली को, या फिर पिक कर सकते हो टीम में जैसे कि पिक कर सकते हो सिद्धरामीन को ठीक है, तो आप उनको भी परफेक्ट कर सकते हो। बट मैंने ये जो 2 बॉलर्स पिक किया ना मतलब 2 ऑलराउंडर्स, ये काफ़ी इनफ है मतलब इनके विकेट्स लेने के लिए। तो अपना वाइस कैप्टन में जा रहा हूँ नसरा संधू के साथ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ पॉलिसी बता चुका हूँ कि देखें बॉलिंग करेगी और टीम उधर से काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो सेम टीम से जाओ फैन टू प्ले पे कॉन्टेस्ट बुक करने। एक बार CVC कन्फर्म हमको टेलीग्राम पे कर दूँ तो टेलीग्राम चैनल पे जो सेक्रेटरी होती है सेम टीम के साथ फैन टू प्ले पे जाओ, स्मूथली टीम बन गई, देखा फैन टू प्ले पे ही फायदा है कि टीम स्मूथली बन जाती है, तो सेम टीम से जाकर फैन टू प्ले पे कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, कोई चेंजेस हुआ तो आफ्टर टॉस में आपको टेलीग्राम पे अपडेट जू से कर दूँ तो टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना है, स्क्रीनशॉट लो जाकर कॉन्टेस्ट को बुक कर दो। जिन्होंने तो फैन टू प्ले डाउनलोड नहीं किया फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, फैन टू प्ले लिंक पे क्लिक करो और फैन टू प्ले को डाउनलोड करो फटाफट से, तो ट्राई जू से करना बहुत अच्छी ऐप है, 100% ट्रस्टेड ऐप और 100% इंडियन ऐप है ठीक है, काफ़ी अच्छी ऐप है, ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है और फ्लोरा सैन भी ब्रांड एम्बेसडर इस ऐप के, तो सेम टीम के साथ जाओ कोई चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पर अपडेट करना। नसरा संधू वाइस कैप्टन, आप मुझे कमेंट कर बताएं कि नसरा संधू के साथ वाइस कैप्टन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो मेरी तरह डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं उनको पता है यार ये कितनी अच्छी इनफॉर्म प्लेयर है टीम तरह से, रुमान अहमद भली हो बट मेरे हिसाब से आउट हो सकती है, तो सेम टीम से जाकर फैन टू प्ले पे कॉन्टेस्ट बुक कर दो। जिन्होंने तो फैन टू प्ले डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, लिंक पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना, लिंक पे क्लिक कर डाउनलोड तो ऑटोमेटिकली रेफर कोड ले लेगा, बट एक बच्चे जो से कर लेना कि रेफर कोड एफ लिमिन है ना F11, जिससे आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाओगे, बिना स्पेस देकर डाल देना इन्विटेशन कोड में एफ लिमिन, जो भी मिलता है टेलीग्राम फाइन टीम दे दूँगा शेयर कर दूँगा, तो एक्टिव रहना, ऑफिशियल ज्वाइन करना कमेंट बॉक्स लिंक पे ना, आप उसके थ्रू टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, आप यहाँ पे भी फैन टू प्ले आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक वगैरह टीम वगैरह दे ही देता हूँ, तो एक्टिव रहना।